जय मसीह की। मैं पास्टर अजय खलखो, सेंट्रल इंडिया कॉन्फ्रेंस, रांची लोधमा, पेंटिकोस्टल होलीनेस चर्च, प्रार्थना आंदोलन। परमेश्वर अद्भुत है और परमेश्वर दयालु है, उसके जैसा कोई नहीं है। मनुष्य से बेहद प्यार करता है और वो परमेश्वर रोमी 12 का 9 में एक वचन में हमसे बात करता है और कहता है कि प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। तो सचमुच प्रियो, हमें बाइबल बताती है कि 2020 वर्ष पहले यीशु मसीह जगत में आए और उन्होंने मानव जाति से निष्कपट प्रेम किया, किसी प्रकार का खोट नहीं था उनके जीवन में। और वही यीशु मसीह आज मानव जाति से बात करता है और सिखाना चाहता है कि हम पड़ोसी से निष्कपट प्रेम करने वाला बन जाए। आज अपने पत्नी से निष्कपट प्रेम करने वाला बन जाए, अपने बच्चों से निष्कपट प्रेम करने वाला बन जाए और आगे बताता कि बुराई से घृणा करो। एस्तेर का किताब 7:9 से इधर हम लोग देखते हैं, वहाँ लिखा है कि एक हरहोना नाम का व्यक्ति जो आंगनों में रहा करता था और वो व्यक्ति राजा को बताता है कि मर्दकै हित का बात करता था, भला ही सोचता था, लेकिन हामान ने उसके लिए 50 हाथ का फांसी का फंदा उसने खड़ा किया था ताकि मर्दकै को लटकाया जाए। लेकिन प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि हित का बात बोलने से कई बार हम लोग को होता है कि हम लोग को जाल फांस करके हम लोग को मार डालना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस वचन में हम लोग देखते हैं कि मर्दकै के जीवन में बुराई आया था, लेकिन वो बुराई हमान ने वो चाहा था कि किसी प्रकार से उसका मृत्यु हो जाए, लेकिन वहां पर मर्दकै के जगह हमान को राजा ने आज्ञा दिया कि उसे फांसी में लटका दिया जाए और वो लटका दिया। इसीलिए होने दीजिए, आज बुराई से हम लोग को घृणा करने की दरकार है और भलाई में लगने की दरकार है। परमेश्वर भलाई करने वालों से प्रेम करता है। और लॉकडाउन में बहुत सारे लोग ऐसे बच्चे लोग भलाई किए, आज मानव जाति को रिक्शा चालक भी भलाई किया और लोगों को हजारों हजार लोगों को भोजन खिलाए और इस तरह से आज भलाई किए। तो होने दीजिए, हम सारे लोग भी भलाई करने वाले हो जाए, निष्कपट प्रेम करने वाले बन जाए और हम लोग बुराई से घृणा करने वाले। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे पूरे देश के लिए। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। भारत देश के लिए प्रार्थना करते पिता, भारत देश में जितने भी मानव जाति सभी का पिता परमेश्वर प्रभु जी, ओ प्रभु जी स्वस्थ शरीर दीजिए परमेश्वर, और ओ प्रभु जी कोरोना वायरस से बचा कर रख परमेश्वर, हर एक शत्रु शैतान से बचा कर रख के, और मानव जाति में प्रेम का आत्मा को डाल ताकि निष्कपट प्रेम करने हो जाए, भलाई करने हो जाए और बुराई से परे रहने हो जाए प्रभु जी। प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते, धन्यवाद धन्यवाद के शिष्य के नाम में, आमीन। बंद करो।